सब्सक्राइब कीजिए माइंड फ्लाइट फैक्ट्स को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल नॉलेज फैक्ट्स और अमेजिंग चीज़ों को जानने। सबसे पहले जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री है। क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट, खुश रहने वाला एनिमल कौन सा है? और भीम ने आखिर क्यों करी महाराज की बेटी इंदुमती से शादी? क्या भीम गोल्डिगर है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की इतनी पुअर मेमोरी थी कि वो अपने खुद के घर का एड्रेस भूल जाते थे। और क्या आप जानते हो कि कॉइन्स में, इंडियन कॉइन्स में जो स्टार और ये स्टार सर्कल या स्पेयर ऐसा क्यों बना होता है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आज की इस वीडियो में आप ऐसे गजब, फैंटास्टिक और अनसुने फैक्ट्स को जानोगे कि आप वीडियो देखने के बाद आपको 880 वोट का झटका लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए, और बिना स्किप करिए, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है सहारा डेजर्ट में साल 1979 में एक बार बर्फ गिरी थी? सहारा डेजर्ट के एच में और जिस टाउन में गिरी थी उस टाउन का नाम था एन सेफरा। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ऐसा नज़ारा था उस टाइम का, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हो कि आप जब बहुत देर तक पानी में हाथ डालते हो तो आपके हाथों में रिंकल्स क्यों आ जाते हैं? आपका ब्रेन इतना फास्ट होता है, इतना शार्प होता है कि वो खुद ही समझ जाता है कि आपके हाथ बहुत सॉफ्ट है। अगर आपके हाथ बहुत देर पानी में जाएंगे तो वो फट भी सकते हैं। तो आपका ब्रेन आपके हाथों को बचाने के लिए आपके हाथ में रिंकल्स डाल देते हैं, मतलब कि आपके हाथ में रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि रिंकल्स पानी में या फिर अंडरग्राउंड वाटर ग्रिप बनाते हैं ताकि आप कोई ऑब्जेक्ट ईजिली पकड़ सको ना किसी परेशानी से। फैक्ट नंबर थ्री, स्टीफन हॉकिंग ने एक बार पार्टी रखी थी टाइम ट्रेवलर्स के लिए, पर उसमें कोई भी नहीं आया। पर ऐसा क्यों हुआ? आप ये सुनकर चौंक जाओगे, आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन, सब लोगों को इनविटेशन पार्टी ख़त्म होने के बाद दिया था। OMG। फैक्ट नंबर फोर, ये एनिमल इस फोटो में इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट एनिमल है, जो कि हर समय खुश ही रहता है। इसका नाम क्यूकास है, QUOKKAS। Isn't amazing? Fact number 5, कॉइन में जो आप ये सिंबल्स देखते हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कॉइन कौन सी सिटी में बना है। अगर इंडियन कॉइन में सबसे बॉटम, सबसे नीचे जहाँ पर ये लिखा होता है कि ये कौन से ईयर में बना है, उससे नीचे नो मार्क है, तो ये कोलकाता में बना है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, अगर उसमें कोई भी मार्क नहीं है तो ये कोलकाता में बना है। अगर उस कॉइन में स्टार बना है, ये 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन में ही होगा, और अगर उस कॉइन में स्टार बना है तो ये हैदराबाद में बना है, और अगर ओवल बना है, ओवल शेप बनी है, तो ये नोएडा में बना है, और अगर काइट जैसी कोई शेप बनी है तो आप ये समझ जाना कि ये मुंबई में बना है। ये फैक्ट बहुत चकरा देने वाला फैक्ट है, और इस ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अपनी ज़िंदगी में याद ज़रूर रखना, या फिर आप कहीं पर नोट करके लिख लो। फैक्ट नंबर टू, छोटा भीम ने आखिर क्यों राजा की बेटी इंदुमती से शादी की, अपनी बेस्ट फ्रेंड चुटकी से क्यों नहीं की? चुटकी जबकि छोटा भीम को इतने सारे लड्डू रोज फ्री में खिलाई करती थी, टोकरी टोकरी भर कर अपनी टुनटुन मम्मी से चुरा कर। तो क्या भीम गोल्ड डिगर है? ऐसा इसलिए ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया में, क्योंकि भीम वालों ने, यानी पोग के छोटा भीम वालों ने एक एपिसोड दिखाया था
जिसमें आया था कि भीम ने इंदुमती से शादी कर ली है, पर वो एपिसोड आप YouTube में शायद ही देख पाओगे। और टीवी वो भी वो मैंने बहुत मुश्किल से रियली एक बार देखा है। फैक्ट नंबर वन से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, पर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हमारे वीडियो अपलोड हो तो आपके फ़ोन में सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियोस के लाइक्स का एम है जस्ट 76 लाइक्स, तो वीडियो में एम को जरूर कंप्लीट करना। मेरे को उम्मीद है, आप कर पाओगे, आप लोगों के विश्वास है क्योंकि आप लोग भाई आप लोग हमारी जान हो। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर वन पर। इस फोटो को जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस फोटो को लेने के लिए एलन मैकफाइडिन ने 6 साल लिए हैं और 7,20,000 अटेम्प्ट्स 7,20,000 अटेम्प्ट्स जस्ट इस फोटो को लेने के लिए इस बर्ड की 6 साल तक उन्होंने वेट करा। 6 साल वो अपनी मेहनत करते रहे बस इस पिक को कैप्चर करने के लिए। हैट्स ऑफ टू इट्स डेडिकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना और चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए टॉपिक्स के बारे में और वीडियो में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा मेरे को ये ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। और आज की वीडियो उसका लाइक्स का इमेज 76 लाइक करना, कमेंट जरूर कर दें क्योंकि कैसी वीडियो लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।